नमस्कार। या सप्ताह के अवधि बानी बुलेटिन में आप सभी के स्वागत है। हमें अंशिका उपाध्याय, आप सब देखते हैं अवधि बानी। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें कि 10 मार्च के बाद फिर से अपने बिल में घुस गई है तमचाधारी। बलरामपुर जिला में बेसौर मिलिन कोरोना पॉजिटिव, कोविड प्रोटोकॉल के अनदेखी के वजह से बिगड़त है हालात। नकली शराब बेचे वाले 5 व्यक्ति भये गिरफ्तार। मार्ग दुर्घटना में 1 महिला समेत 3 के मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। श्रद्धालुओं से भरा पिकअप खाई में गिरा, 4 व्यक्ति के मौत और 8 गंभीर रूप से घायल। 2 दिन पूर्व गाजियाबाद जिला से चोरी भवा रोडवेज वर्कशॉप में कटत मिले बस। दुई पक्ष में जमके भवा मारपीट, दोनों पक्ष में जमके पथराव भवा, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल और 17 पर मुकदमा दर्ज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार का बुलंदशहर में कहें कि पिछली सरकार माफिया के घर में पैसा जमा करत रही, अपराधियों से तमचा बनवावत रही, लेकिन 10 मार्च के बाद ये अपराधी और माफिया सब अपने घर में घुस गए हैं। संक्रमण के तीसर लहर एकदम चरण पहिया है। रोज संक्रमितों की संख्या बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही के सिलसिला नहीं थमत है। हर जगह बैंक, अस्पताल, हर जगह भीड़ लागत है, लेकिन लोग मास्क के उपयोग नहीं करते हैं, शारीरिक दूरी के पालन नहीं करते हैं, जैसे कोरोना के मामला बढ़ते जाते हैं। रायबरेली में जहरीली शराब पिए से 12 जन के मौत होने के मामला ठंडाबू नहीं करा है कि खीरी जिला में नकली शराब बनावे के मामला सामने आवा है। पुलिस 5 आरोपितों का गिरफ्तार भी है। सड़क दुर्घटना में 1 महिला समेत 3 के मौत और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जन मौके पर पहुंच कर घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल पहुंचाएं और उनके परिवार जन का सूचना दें। गोंडा तरफगंज मार्ग पर दुर्जनपुरवा घाट के लगे पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में जाए के गिरा, जमान 4 व्यक्ति गंभीर रूप से 4 व्यक्ति के मौत हो गवा और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल पहुंचावा गवा। पिकअप में सवार व्यक्ति गंगा स्नान खातिर प्रयागराज जात रहे और अनियंत्रित होकर पिकअप खाई में जाए के गिरा। पिकअप में 47 जन से ज्यादा सवार रहे, यही के नाते पिकअप अनियंत्रित होकर जाए के खाई में गिरा। मौके पर पुलिस टीम पहुंच कर वाहन चालक का गिरफ्तार किस और घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल पहुंचाई और उनके परिवार जन का सूचना दी। 2 दिन पूर्व गाजियाबाद जिला से चोरी भवा रोडवेज बस छानबीन करे पर एक वर्कशॉप में कटत मिली। पुलिस 3 आरोपितों का गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की। यही के साथ में साप्ताहिक अवधि बुलेटिन समाप्त होते हैं। मंगल कामना के साथ जय श्री राम।